से उसकी प्रोडक्शन को बेहतर बनाएं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का एक आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि वन बाई वन अगर सवाल करें तो। इस वक्त जो ख़रीदारी मरकज़ हैं उन पे काम चल रहा है और वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हकूमत ने जो टारगेट अचीव किए हैं, मैंने कल ही अपने ज़िले खानेवाल में चेक किया है तो मुझे वहाँ बताया गया कि दो सेंटर्स हैं जिनके टारगेट अभी अचीव नहीं हुए और बाकी की तमाम सेंटर्स के टारगेट अचीव हो गए हैं, और इस वो दो सेंटर्स जो हैं उन पे भी तवक्को की जा रही है कि आने वाले वक्त में उनके टारगेट अचीव हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक टारगेट के करीब पहुंचे हुए हैं महकमा खुराक, और अनकरीब वो टारगेट अपना पूरा कर लेगा। मुझे नहीं मालूम कि आपको किन लोगों ने ये बात की है, लेकिन गुजारिश इसमें ये भी है कि यहाँ पे एक और भी फैक्टर है कि लोगों ने इस दफ़ा, पहले जो लोग गंदम स्टोर नहीं करते थे, इस दफ़ा बहुत से लोगों ने अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए गंदम को स्टोर किया है, और उन्होंने मार्केट में कम गंदम बेची है, क्योंकि पिछले साल का जो की वजह से वो महसूस कर रहे थे कि शायद आने वाले वक्त में रेट इसके बढ़ ना जाए, इसलिए लोगों ने काफ़ी हद तक गंदम स्टोर भी की है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी बताना चलूँ कि इस साल फ्लोर मिलें भी खरीदारी कर रही हैं, उसकी वजह से भी कुछ गंदम फ्लोर मिलों को जा रही है, तो उस वजह से भी आपको शायद ये सेंटर्स पे अराइवल जो है थोड़ा स्लो लग रहा है। देखिए, पाकिस्तान के किसानों से हम गंदम खरीद कर रहे हैं, और ये आपने देखा नहीं है कि इस साल गंदम पहले सालों की नस्बत एक हफ़्ता पहले मैच्योर हो गई थी और एक हफ़्ता पहले आ गई थी, और यही वजह है कि ये प्रोक्योरमेंट जो है वो थोड़ी वक्त से पहले हो गई है, जिस वजह से आपको शायद ख़रीदारी सेंटर्स पे रश नज़र नहीं आ रहा, वरना ख़रीदारी के टारगेट्स जो हैं वो तो पूरे होने के करीब हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, बाहर की गंदम की इंपोर्ट की, तो पहली बात तो मैं आपकी ये दुरुस्ती कर दूं कि 3,000 रुपये फी 40 किलोग्राम गंदम कहीं से भी नहीं खरीद की गई, और जो गंदम खरीद की गई है वो 3 मुख्तलिफ खेप में गंदम इंपोर्ट की गई है, और वो मुख्तलिफ वो 3 खेप जो हैं उनकी कीमत मुख्तलिफ रही है, और फिर उसकी जो उस पर हैंडलिंग चार्जेस और डाउन अपस्ट्रीम जब गंदम पहुंचाने के जो अखराजात हैं वो सारे मिला के जो महंगी गंदम पाकिस्तान गवर्नमेंट को पड़ी है वो 2400 रुपये पड़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ी। हम इस साल तो काश्तकार इतना बेदिल हुआ है कि वो लगाने को तैयार भी नहीं है, लेकिन हम कैंपेन चला रहे हैं उस कॉटन के सिलसिले में। मैंने हर हफ्ते एक मीटिंग रखी हुई है, जो मैं कॉटन के सिलसिले में मीटिंग रखता हूँ, और मुख्तलिफ
जगहों पे मैंने मीटिंग्स की हैं, मुल्तान में भी, लाहौर में भी, और इंशाल्लाह ताला ये ईद की छुट्टियों के फौरन बाद मैं भावलपुर में कॉटन सोइंग पे एक मीटिंग करने लगा हूँ। और इसके साथ साथ हमने रिसर्च पे भी तवज्जो दी है। रिसर्च पे हम कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च पे तवज्जो दे के कॉटन की ऐसी वैरायटीज़ लेके आएं, और साथ ही साथ हम ऐसे बीज इंट्रोड्यूस कराएं जो जिन पे कीड़े का कम हमला हो, और जो इंटरनेशनल आज की जो ज़रूरियात के मुताबिक कपास है वो पैदा की जा सके। जी ये आटा रमज़ान में चूँकि हुकूमत एक खसूसी पैकेज देती है, और इस साल भी पंजाब गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए का एक रमज़ान पैकेज दिया था, और जो फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज है वो इसके अलावा है, और आटे पे सब्सिडी दी है हुकूमत ने, और वो आटे के सब्सिडी वाले थैले रमज़ान बाज़ारों में मिलते रहे, और लोग चूँकि बाज़ार से वो सब्सिडाइज आता था इसलिए वहाँ पे लोगों का रश होता था, लोग वहाँ लेना चाहते थे वो सस्ता आटा। क्या नहीं, आम का जो रिसर्च सेंटर पे बाग है वो तो वो है और रहेगा इंशाल्लाह, और वो उसमें कुछ रिप्लेसमेंट वक्त के साथ पौधों की होती रहती है, और वो रिप्लेसमेंट का अमल जारी है। बाकी अर्बनाइजेशन में मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि अर्बनाइजेशन जो है इससे आमों के बागों को मुल्तान में नुकसान पहुँचा है, और उसके लिए अब मैंने सुना है मेरे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक खसूसी हिदायत मैंगो वैली के लिए जारी की है, जो वो डिफेंस के एरिया में वो बनाने लगे आमों का। एक मैं पहले इनका जवाब दे दूँ ना। जी गुजारिश ये है, लाइनों की बात मैंने पहले भी वजाहत की है आटे के हवाले से। चीनी का भी यही मसला है कि चूँकि रमज़ान बाज़ार में चीनी अभी शोर हो रहा है, तो मैं रमज़ान बाज़ार में चूँकि चीनी इस गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज की हुई थी, इसलिए लोगों को जहाँ सस्ती चीनी मिल रही थी वहाँ वो रश कर रहे थे और वहाँ से ले रहे थे। मेरे इल्म में तो नहीं है कि सारा साल कोई नहर बंद रही हो, सिर्फ 2 माह चलाई गई हो, और ये तो आप कह रहे हैं ना। रूटीन में एक क्लोजर होता है साल में एक बार, जो एनुअल कैनाल्स हैं, जो शशमई कैनाल है वो 6 महीने चलती हैं, जो एनुअल कैनाल है या परीनियल कैनाल है वो पूरा साल चलती हैं, और उनमें मेंटेनेंस के लिए साल में एक दफ़ा क्लोजर होता है। मैं इस मामले में आपकी ये जो फर्नीचर की और वाइट इसकी पेंटिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं लाहौर जाके इसका बंदोबस्त करूँ।
मैं बागात में इस वक्त जो रूटीन में केले का हमला होता रहता है और वो हुआ है और उसमें लोगों ने स्प्रे किया है और उसे कंट्रोल हो गया है काफ़ी हद तक। और इस साल मैं ये भी बता दूं कि आम की जो पैदावार है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी।